अरे भाई ऊपर, अरे भाई हो गया फिर से ब्लास्ट। मतलब यहाँ पे ना भाई कंटेंट बनाने का कोई सेंस नहीं बन भाई साहब, एक बहुत बड़ी गलती हो गई एक मतलब। और अभी कैसा बेस है ये चीज आपको यहाँ पे नजारा दिख। तो भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को मैं एक चीज बता दूं, जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ गाइस, उस समय मेरे चैनल को एग्जैक्ट एकदम 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। जी हाँ गाइस, मेरे चैनल को 3 साल कंप्लीट हो गया। मैंने 2019 को 29 जुलाई को चैनल बनाया था, आज है 2022 29 जुलाई। जी हाँ गाइस, इस समय मैं 29 जुलाई को शूट कर रहा हूँ, तो आपको ये वीडियो 30 तारीख को मिलेगी। तो मतलब समझ जाइएगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मे बी क्या कन्फर्म वो हमारा 3 साल 1 दिन होगा चैनल के लिए। तो यार इतना दिन चैनल को सपोर्ट दिखाने के लिए और इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप लोग का बहुत 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 थैंक्स। आई होप कि आप लोग और अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे और चैनल पे और अपना हेल्प जरूर देंगे, और मैं आपको ऐसे ही एकदम अच्छा अच्छा कंटेंट ला के देता रहूँगा। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और एंड तक देखना क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहली बात गाइज, मैंने कल वीडियो में एक चीज़ पूछा था कि भाई इसको पूरे वर्ल्ड को मैं TNT से उड़ाना चाह रहा हूँ, बट शायद किसी ने पूरी वीडियो देखी नहीं और किसी ने बताया नहीं उड़ाना है फिर नहीं उड़ाना है। खैर आई होप कि यार आप लोग पूरी वीडियो देखोगे, मज़ा आने वाला है, मैं पूरी कसर करूँगा, मज़ा ज़रूर आएगा, बस आप लोग को देखना पड़ा है। तो आज क्या करना है, TNT से पूरी की पूरी वर्ल्ड को मैं उड़ाने वाला हूँ, तो बस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए, फिर उसके बाद आप देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले इलाइट्रा पहनते हैं, और इलाइट्रा पहन के हम लोग नीचे चलते हैं, और यहाँ पे डे भी, अरे क्या हो गया, रात हो गई। ओ भाई बेड हमारे पास नहीं है, तो बेड के लिए सबसे पहले हमको घर जाना, अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर चल के सबसे पहले हम लोग सो लेते हैं, डे कर लेते हैं, फिर उसके बाद से अपना काम करते हैं। और इसको बनाने के लिए गाइस कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें गन पाउडर, और गन पाउडर के साथ साथ हमको ढेर सारा सैंड चाहिए, जो कि दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। गन पाउडर तो एक्सट्रीम भरा हुआ है, मेरा पूरा चेस्ट भरा हुआ है, और मैंने उतना यूज़ भी नहीं किया गन पाउडर, तो पूरा चेस्ट भरा, और सैंड भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो दिक्कत तो नहीं होगी हमें इस चीज़ को उड़ाने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ग्लासेस और सेंट्स के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, सबसे पहले मैं एक बार यार चेकआउट कर लूँ, मुझे ना इसका याद नहीं आ रहा है ये बाहर कैसे आ गया, जबकि मैंने इसको अंदर रखे थे यार। सबसे पहले मैं लोग यहाँ से देखे, काफ़ी सारा मैंने माइन भी किया था, और हमारे पास ऑलरेडी बहुत है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मेरे को एक चीज़ चाहिए, मेरे को यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, जो मेरे पास वुड है यहाँ पे, हाँ है तो क्राफ्टिंग टेबल ही है यार, वुड की क्या हो सकता है, क्राफ्टिंग टेबल ही है। एक बार मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि हमें, अरे यार मुझे चाहिए क्या क्या, TNT ना, TNT का ये रहेगा ना, चलो ठीक है अब इसको मैं बना लूँगा। चल रहा हूँ अपना गन पाउडर लेने, पूरा TNT से इसको उड़ाऊँगा। फ्लिंट हमारे पास है, फ्लिंट अगर नहीं होगा तो भाई मेरे पास फायर बो है, मतलब जो बो है हमारी वो एरो है, उससे फायर निकलता है जब भी मैं मारता हूँ, इंचेंट मैंने किया है। और मेरे को सॉरी यहाँ पर जाना पड़ेगा, उड़ के चलते हैं, और ये रहा हमारा, और मैं भीड़ा नहीं, अरे भाई क्या बात है, भीड़ा नहीं कर, चलते हैं यहाँ पे अंदर, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, नीचे आते हैं, और इसमें तो होना चाहिए भर भर के है भाई, बिकॉज कि मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया है, मैंने इतना दिन चलाया यहाँ पे, लेकिन मुझे TNT की आवश्यकता उतना नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से ओके यार अब भी यूज़ होगा इसका। और मेरे हिसाब से मैं कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाऊँगा, जो डायमंड वगैरह मेरे पास पड़ी हैं तो मैं लेके जाऊँगा। और मैं सैंड लाना भूल गया, क्या बात है भाई, मतलब एक चीज़ लेके आओ तो एक चीज़ भूल जाओ, मेरे को लगा कि मैं क्राफ्टिंग टेबल ले के चलता हूँ। ओ भाई क्या ग्लिचेस है, आहा मेरे को लगा मैं क्राफ्टिंग टेबल ले, किसी में तो इसी में होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें होगा मे भी, हाँ इस यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने कुछ अपना आइटम भी ऐसे रखवा दिया, बिकॉज कि यार बहुत दिक्कत मार रहा था ये लोग, तो यहाँ पे जगह खाली नहीं है, तो मेरे को अब यहाँ पे बनाना पड़ेगा जितनी सारी TNT बन सकती है ना, फटाफट मैं बना दूँ, बिकॉज कि TNT की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, बिकॉज कि भाई तबाही आप लोग देखना, क्योंकि जब TNT से पूरा घर उड़ेगा ना वो चीज़ देखने लायक रहेगी। तो फटाफट मैं TNT बना के आप लोगों से मिलता हूँ। तो अरे यहाँ पे और बन चुका, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत आ गई हम लोग को, एक मिनट, थोड़ा सा गन पाउडर घट गया, तो हम चलते हैं वहाँ पे अपने वापस से क्राफ्टिंग टेबल, और मैंने सारा का सारा सैंड जो है उठा लिया मेरे पास, और कहीं सैंड, और TNT भी मेरे पास 100% श्योर रुक मेरे पास पड़ी होगी TNT, बिकॉज कि मैंने TNT बहुत रखे हैं, यहाँ पे भी TNT, बट वो खोजने में मिलेगा, बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पे भी लैंड सही से, बहुत सही लैंड आजकल बहुत सही कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी TNT मैंने बहुत सारे रखे, तो वहाँ से भी TNT मिल जाएंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं कुछ
ये सब कलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि फटाफट हम लोग यहाँ पे बना गए और इसको ब्लास्ट कर ले। तो फटाफट जल्दी सारे के सारे TNT हम लोग बना गए ना, फिर आपको डायरेक्ट मिलूंगा, ठीक है? ओके। तो यार यहाँ पे हमने बहुत सारे TNT बना लिए, तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले अपने बेस के पास से। और ये मेरी जो बिल्ली है ना यार, इसको मैंने यहाँ पे तो मतलब ये भी मर जाएगी। खैर देखते हैं, सेव करने की कोशिश करेंगे इसको, बट मर जाए ठीक है। नहीं यार क्यों मर जाए, बट सेव करने की कोशिश करेंगे भाई देवे अपने कैट को। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं, अपने घरों के पास से हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और इसको पूरा उड़ाएंगे। और भाई अगर ये डायमंड का आर्मर, मुझे डायमंड की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है भाई, अब किसी चीज़ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है बिकॉज़ कि मेरे पास बहुत है। तो शुरुआत करते हैं इस TNT लगाने का और इसको पूरा का पूरा ब्लास्ट करते हैं। और कितने सारे आइटम्स मेरे ब्लास्ट होंगे आई डोंट नो अबाउट इट, बट चलिए करते हैं। फटाफट TNT लगाते हैं और आप लोग देखिए मजा, ठीक है? तो यार कंफर्म है ना कि मेरा जो गेम है ना वो बेहतरीन लैग मारने वाला है, बिकॉज कि भाई अभी ही लैग ये मार रहा है। तो अब आगे क्या होने वाला, बट मैंने अभी तक TNT घरों में ही नहीं लगाया, बिकॉज कितनी TNT लगा रहा हूँ ना कि ये किसी भी एंगल से बचना इसका नामुमकिन है, बिकॉज इसको बहुत बुरी तरीके से मैं पूरा ब्लास्ट करने वाला हूँ। और एक दो चार कुछ यहाँ पे लगा दे और ब्लास्ट हो जाएगा पूरा। हाँ यहाँ पे एंड वन मोर हियर। भाई मज़ा आने वाला, पूरा गेम लैग करेगा आज, पूरा गेम क्रैश होने वाला है। सो भाई बी रेडी फॉर दैट। भाई TNT में इतना ज़्यादा लगा रहा हूँ ना कि भाई पक्का मेरा गेम क्रैश होने वाला है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। देख रहे हो अभी कितनी क्रैश में गेम चल रही है ये, आप लोग मतलब यार क्या ही बताऊँ यार, फ़ोन का इशू हो जाता है ना, पर खैर कोई नहीं, बट मज़ा आने वाला है, बस आप लोग देखते रहो। चलिए बेसिकली यार बेड को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग करने वाले हैं। लो भाई बेड एकदम ढक देंगे इस पर, ठीक है, ताकि बेड थोड़ा सा भी ना बचे यहाँ पे बेड, ठीक है। बारी है गाइस इस चीज़ की, अब पूरा मैंने घर को देख रहे हो, पूरा TNT टू TNT लगा दिया और इसकी बारी है। और इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाला हूँ। एक मिनट, मैं ऊपर तक नहीं चढ़ पाऊँगा क्या? नहीं भी, मैंने कहाँ कहाँ मैंने तोड़ रखे भाई, इसी भी बेचारी जाने वाली है साथ साथ। बट यार कोई नहीं यार, थोड़ा सा मैनेज कर लो, फटाक से पहुँच जाओगे ऊपर, ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाला भाई। चलो इसको भी पूरा हम लोग फटाफट कवर कर देते हैं TNT से और इसको उड़। ये वाला एरिया भी पूरा TNT से कवर हो गया, मैं जाऊंगा कैसे भाई, कोई नहीं बगल से निकल लेंगे। ये वाला भी पूरा एरिया TNT से कवर हो गया, अब चलते हैं भाई। एक मिनट, मेरे हिसाब से मुझे इलाइट्रा हटा लेना चाहिए, बिकॉज गलती से अगर कोई फूट गया तो मैं भी फूट जाऊंगा साथ में। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे ये डबल वाला भाई साहब एक बहुत बड़ी गलती हो गई, एक मतलब पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया ना, पूरा का पूरा मेरा TNT देख रहे बड़ा हो गया, मतलब यार पूरी की पूरी मेहनत दाड़ चली गई। खैर कोई नहीं, अभी बहुत कुछ अभी उड़ाना बाकी है, तो अरे यार उसको भी उड़ाएंगे। तो खैर फटाफट चलिए जो भी है उसको पहले उड़ाते हैं, और बाकी जो रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो अब क्या ही कर सकते हैं, बिकॉज की ऐसी कंडीशन आ गई थी कि भाई रिकॉर्डिंग होना तो पॉसिबल, क्योंकि मेरा गेम ही लैग करने लगा, तो उसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा वहाँ पे कि मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। और मेरा गेम ही क्रैश हो गया और मैं तुरंत मेरा गेम बंद हो गया खुद ब खुद ऑटोमेटिक। तो यार सबसे पहले ना हर जगह TNT पूरा लगाते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्ट आप लोगों के पास। चलिए अब एक चीज़ और देखिए, लगाते लगाते रिकॉर्डिंग ऑफ किया था वो भी ब्लास्ट हो गया। मतलब यहाँ पे ना भाई कंटेंट बनाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, बिकॉज के सारे चीज़ें ब्लास्ट होते जा रही है और मैं भाई परेशान होता जा रहा हूँ, और मैं अपनी बिल्ली से परेशान हूँ भाई। ये भाई मर जा तू यार, भाई इतना अच्छे से मैं ब्लास्ट का पूरा सिस्टम बैठा रहा हूँ लेकिन भाई कंटेंट नहीं मिल रहा है भाई ढंग का। मैं सोच रहा हूँ ब्लास्ट अच्छे से करूँगा, लेकिन देख रहे हो यार यहाँ पे लावा था, मैंने गलती कर दी लगा के यार। खैर कोई नहीं यार, मैं क्या करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूरा गेम का लग गया मेरे। खैर कोई नहीं, चलिए जहाँ तक होता है वहाँ तक लगाएंगे और ख़ुद भी मारा जाएगा तो देखा जाएगा। लेकिन एक बार मैं TNT
खुद से ब्लास्ट जरूर करूंगा, सारी चीज खुद से ब्लास्ट हो रही है, मैंने नहीं कर रहा, वो अपने आप हो रही है, बट मैं खुद से एक बार करूंगा इसको। एक मिनट, लग क्यों नहीं रहा यार, ये बहुत बुरा लैग मार रहा है, और मैं जरा एक बार इसको ब्लास्ट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। खुद से एक बार TNT एक बार चली, 1 2 3 गो। ओ भाई, इतनी एक साथ ब्लास्ट हुआ कि पूछो मत। एक मिनट, ये कैट वॉज, अरे भाई, अरे अरे नहीं, मेरे से कैट मेरी चली गई भाई साहब, कितना गड्ढा हो गया था, खंडर देख लो, पहले क्या था, पहले क्या था, और गाइस अब भी देखो अब भी क्या है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें थी यहाँ पे, आपको उम्मीद है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी। और भाई क्या क्या कलेक्ट हो रहा है, मत कलेक्ट हो, और भाई इतना देख रहे हो कितना बुरा लैग मार रहा है, एक लगाने के लिए सोचना पड़ रहा है। और भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे तक आ जाओ, भाग भाई, मैं क्यों यहाँ अटकाऊँ, और मेरा चलो भाई, अरे मैं भागूंगा कैसे, अरे भाग लो भाई, क्योंकि बिकॉज बहुत एक्सट्रीमली ब्लास्ट हो रहा है ये लोग। देखो अब वो भी जाएगा भाई, मेरे पे आ गया एक, चलो भाई जगह नहीं मिल रही है भागने के लिए यहाँ पे। खैर थोड़ा थोड़ा सभी ब्लास्ट करेंगे, और ये मेरा जो फार्म है ना गाइस, ये फार्म भी ब्लास्ट, या फिर अपने इसी को उड़ा दे यार, हम अपने क्या नाम है इसको, जो भी नाम है यार, इसी को उड़ा देते, चलो इसी को उड़ाते हैं गाइस, जो हमारा केव है, ये देखते हैं कितना गड्ढा और कितना उड़ाता है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती एक्सप्लोर करने के लिए, इसी को पूरा उड़ा देते हैं, अपना जो केव है ना, जो अपना हम लोग का, जिसमें हम लोग अपना माइनिंग करते हैं ना, माइनिंग साहब, इसी को पूरा उड़ा देते हैं। चलिए भाई, यहाँ पे एक ये चीज़ रखा है भाई, गलती से अगर मैंने रख दिया ना तो ब्लास्ट हो जाएगा, और मैं कहाँ भाई ऊपर कहाँ कहाँ फंस जा रहा है। भाई खैर कोई नहीं, चलते हैं, हमारा अपना काम तो इनको पूरा ब्लास्ट है, पूरा TNT में लगा। अरे भाई ओ भाई, यहाँ पे TNT गलती से भी ना लगे और ना ब्लास्ट हो जाएगा, ऐसे कई जगह हम लोग का ब्लास्ट हुआ। चलो फटा फटाफट पूरा हम लोग ये लगा के लेके आते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। टैंडा, और ये भाई पूरा ब्लास्ट होते हुए आ रहा है, देख रहे हैं पूरा ब्लास्ट होते हुए आ रहा है ये एरिया, अब पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जा रहा है यार ये। कोई नहीं, ये पूरा ब्लास्ट होते हुए आ रहा था यार, मैं फटाफट इसको पूरा भरते जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये जैसे जैसे मैं भरते जा रहा हूँ ये पूरा वैसे ब्लास्ट होता जा रहा है। रेड रेड मतलब मैंने रेड टॉर्च लगाए, मे बी रेड टॉर्च ये एक्टिवेट हो जाता है क्या, मुझे मालूम नहीं। रेड टॉर्च तोड़ देते हैं, और भाई आओ, होगा नहीं ना, चलो, अरे भाई हो गया फिर से ब्लास्ट, हो गया फिर से ब्लास्ट, कन्फर्म है भाई, चलो कन्फर्म है ब्लास्ट हो गया फिर से। अब ये क्या होने वाला ये देखो जरा अंदर, ये खुद ब खुद अब ब्लास्ट होते जाएंगे ये भाई साहब। चलो हम लोग ऊपर की तरफ भागते हैं, एक मिनट, यहाँ पे कितना नॉट बैड, ठीक ठाक है, बचे हैं अभी, अब देखते हैं कहाँ तक बचते हैं। अरे ब्लास्ट होगा पक्का, पक्का ब्लास्ट होगा, भागो 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 भागो, पक्का ब्लास्ट होगा ये, देखा। अरे भाई ऊपर 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 ऊपर, मैं मरने वाला था भाई इस समय। ओ भाई ये पूरा का पूरा ब्लास्ट किया होगा भाई, 100% कन्फर्म है यार, ये पूरा ब्लास्ट है। अरे भाई ये क्या हो रहा है ये खुद ब खुद ब्लास्ट होते जा रहा है, मतलब मेरा क्या भाई, मतलब क्या ही है यार। मैंने भर दिया गाइस, और इसमें रात भी हो गई है, फिर इसको ब्लास्ट करके देखते हैं, और ये ब्लास्ट हो गई भाई। मैंने सोचा कि मैं TNT से इससे मार के ब्लास्ट करूंगा भाई, लेकिन ब्लास्ट हो गया और मैं साथ मर जाऊंगा। अरे नहीं भाई कुछ, अरे भाई मेरे पास ही एक ब्लास्ट हुआ, और भाई साहब ये आप देख सकते हो कितना बुरा ब्लास्ट हुआ, और अंदर कहाँ तक गया भाई, मतलब बहुत अंदर गया होगा भाई, बहुत बुरा। मैंने पूरा TNT लगाए थे, और ये पूरा का पूरा TNT अंदर तक ब्लास्ट, और अभी तक ये ब्लास्ट हो ही रहा है। तो गाइज मैंने लगभग लगभग अपना पूरा का पूरा फार्म वगैरह सब कुछ ब्लास्ट कर दिया है। तो गाइज अभी वीडियो के लिए सिर्फ इतना है, बिकॉज कि बार बार ऐसे ही खराब हो जा रहा है, मेरा फ़ोन लैग हो जाएगा, और मुझे पता है कि पक्का भाई फ़ोन मेरा ख़राब हो जाएगा, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो भाई, क्योंकि यार इतना बुरा लैग मार रहा है ना भाई। भी एरिया ब्लास्ट हो गया, और काफ़ी रात भी हो गया, और हर जगह खंडहर आप लोग। अरे भाई एक मिनट, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, मैं इसके ऊपर जाता हूँ, फिर इसके बाद तो किसका लोकेशन दिखाता हूँ, तब आप कंपेयर करना कि भाई जो मेरा पुराना वाला बेस था और नया वाला बेस था वो कैसा है। तो यार अब आप लोग कंपेयर करना है कि पुराना वाला बेहतर था या फिर नया वाला बेहतर था। ऑफकोर्स यार नया वाला बेहतर होगा, मतलब पुराना वाला ही बेहतर होगा, नया वाला एक बार चेकआउट करो। मेरा बेस कहाँ गया भाई, इधर ही था ना, अच्छा नहीं इधर है भाई साहब, पहले कैसा बेस था आप लोग देखे होंगे, और अभी कैसा बेस है, ये चीज़ आपको यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है, और A to Z सारे के सारे ब्लास्ट हो गए हैं। लेकिन एक खुशखबरी, वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, और कैसे वो चीज़ आप लोग शौक जाओगे। लेकिन अभी आप देखो कैसा लगा यार, इतनी मेहनत लगा, और मेहनत करने के बाद इसको ब्लास्ट भी कर दिया, पूरा मेहनत खत्म कर दिया, और हमारा वो केव देख रहा है क्या हो गया हालत।
तो यार बहुत मेहनत लगी। अब नेक्स्ट वीडियो होगी अगर आप कमेंट करोगे तो ये पूरा विलेज भी मैं ब्लास्ट कर दूंगा, बहुत अच्छे से ब्लास्ट करूंगा। अगर आपको चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल लेना। तो मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।